हेलो स्टूडेंट, आज ग्रामर में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिवाइज कराने जा रहा हूँ। नोटबुक निकाल लीजिए आप लोग। इससे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स बता दिए गए हैं, वीडियो में भेज दिए गए हैं। जिन लोगों ने नोट नहीं किए हैं वो अभी भी एजुकेशन कालपी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, देख सकते हैं। एक बार आपको याद दिला दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट जो कर्ता के शब्दों में बात कही जाए उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और उसी बात को कर्ता के शब्दों में ना कह करके कहने वाला अपने शब्दों में कहता है उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। देखिए, जैसे इसमें एक आप देख रहे हैं कि इनवर्ट कॉमा के अंदर है और एक पार्ट इनवर्ट कॉमा के बाहर है। जो बाहर है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो रिपोर्टिंग इनवर्ट कॉमा के अंदर है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सबसे पहले चेंज करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस के आधार पर चलते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हमने इसमें देखा सबसे पहले हमारा सेंटेंस कौन सा है। पहला क्वेश्चन यही होगा कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, तो आपको पता चल गया ये अफर्मेटिव है। अब आपको अफर्मेटिव की तरफ दिमाग लगाना है कि अफर्मेटिव बनता कैसे है। तो अफर्मेटिव में रिपोर्टिंग पर से को नहीं बदलते हैं, से टू को बदलते हैं, यानी अगर टू ना हो तो उसे नहीं बदलते हैं। अफर्मेटिव के रूल बता रहे हैं, टू ना हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलते हैं। कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड सेंटेंस के टेंस को बदला जाता है। रूल फिर से देखिए, अगर ये पास्ट टेंस में है सेट तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, और अगर ये पास्ट नहीं है तो टेंस में परिवर्तन ही नहीं होगा। अब परिवर्तन कैसे होगा इसके लिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदला जाता है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदलते हैं, और अब प्रेजेंट को पास्ट में बदलने का मेरा मतलब था कि इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी उसी के पार्ट के अनुसार बदल देते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और शेष टेंसों को शायद बदला नहीं जाएगा। अब देखिए इसको बदलेंगे कैसे। नंबर वन, राजेश सेट, राजेश सेट को नहीं बदलते हैं क्योंकि हमने कहा कि अगर टू ना हो तो इसे नहीं बदलते। कॉमा हटा देंगे तो डेट लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या क्या बदलते हैं, चार चीजें बदली जाती हैं। देखिए समझ लीजिए, पहले रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कॉमा हटाना, तीसरा टेंस परिवर्तन, और इसके बाद पर्सन चेंज करना। मेन चीज़ जरा पर्सन चेंज करने की बात समझ लीजिए कि पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, माई, अस, कहने वाला जो अपने लिए शब्दों का इस्तेमाल करता है वो सभी फर्स्ट पर्सन होते हैं।
और जो सुन रहा है उसके लिए जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, ये सभी सेकंड पर्सन होते हैं और जो भी बचता है वो सभी थर्ड है। तो यहाँ पर देखें ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो इसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट, ये राजेश नाम थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर ये हमें थर्ड पर्सन करना होगा तो ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर यू होता, सेकंड पर्सन होता तो हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बस केवल दो ही चीज़ें याद रखें कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन हो चाहिए सन फॉर्मूला। इसके बाद क्योंकि ये पांच टेंस है तो हमें टेंस बदलना है, फ्यूचर टेंस को बदला नहीं जाता। अगर यहाँ फ्यूचर टेंस है तो बदला नहीं जाएगा, सिर्फ विल को वुड और सेल को शुड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वुड डू। और दिस को अब चौथी चीज थी या पांचवा नंबर था कि नियरेस्ट वर्ड को फारदेस्ट वर्ड में बदला जाता है। दिस को दैट में, दिस को दोज में, ये सारे बुक में आपको वर्ड मिल जाएंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में और टुडे को दैट डे में बदलते हैं। तो ही वुड डू दैट वर्क और टुमारो को द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से हम संक्षिप्त में हमने रूल आपको बता दिया है। अब हम सेंटेंस आपको नोट करते जा रहे हैं और इसके बाद थोड़ा बताते भी जाएंगे, आपको खुद करना होगा, हम नहीं करेंगे। माई टीचर ऑफन सेज टू मी, आप लोग बात नहीं करें, इफ यू डू नॉट वर्क नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, अफर्मेटिव ही है तो दैट लगेगा। और इफ ही डिड नॉट, प्रेजेंट को पास बदल रहा है, इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही वुड फेल। माय टीचर ऑफन ऑफन थर्ड नंबर He said to me, where do you live? इसको देखें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलते हैं। यहाँ पर वो शर्त समाप्त हो जाती है कि टू नहीं हो तो हम नहीं बदलेंगे। अफर्मेटिव में ये शर्त है कि अगर सेड के बाद टू ना हो तो हम उसे वर्ब को नहीं बदलते हैं, लेकिन इसमें ये शर्त समाप्त हो जाती है। सेड अकेला भी हो तो भी आस्क लिखेंगे और अगर सेड टू है तो भी आस्क लिखेंगे। अब कॉमा हटाने के लिए, कॉमा हटाने के लिए अफर्मेटिव में हम दैट लिखते थे, जबकि इसमें या क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर लिखते हैं और इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करके लिखते हैं। आई सेड टू हिम, I
आर यू अटेंडिंग द क्लास? ऊपर वाला हमने देखा क्वेश्चन वर्ड था इसमें, जबकि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से दिया आपको, तो इसमें ऊपर वाले को ही आस्क्ड मी वेयर ही यू को बदलेंगे बी के अंदर आई वेयर आई लिव्ड, और नीचे वाले में आई आस्क्ड आनंद इफ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है इसलिए इफ, और ही वाज अटेंडिंग द क्लास। Are you set to me? Are you set to me? Can you spare some money for me? ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन कैन वाला था। हरी आस्क मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। ऊपर वाले आप लोगों ने लिख लिए, नीचे लिख नहीं रहा होगा इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। He said to his friend, work hard। इसको सेंटेंस को देखें, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी के एक एक बता दिए जाए, इससे कि आप लोगों को रिव्यू हो जाए। He said to his friend, work hard। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो said to की जगह पर यहाँ पर requested, advised या फिर ordered लिखते हैं। ये हमें लिखना पड़ता है कि इसका सेंस क्या है। He said to his friend, उसने अपने फ्रेंड से कहा परिश्रम करो, यानी फ्रेंड अपने फ्रेंड को एडवाइज करता है, इसलिए he advised his friend, और कॉमा हटाने के लिए टू लगता है, टू वर्क हार्ड। आगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई टेंस होता ही नहीं। नेक्स्ट, My father said to me, don't waste your time। My father said to me, मेरे फादर ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो। ये दो प्रकार से बनते हैं, या तो समय नष्ट करने के लिए मना किया तो आप यहाँ पर फॉरवेट कर सकते हैं, और या फिर अपने फादर की एडवाइस मान लें तो फिर यहाँ पर नॉट टू लिख दिया जाता है। माय फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम, या फिर माय फादर फॉरवेट मी टू वेस्ट माय टाइम। अगर फॉरवर्ड लगा देते हैं तो फिर डू नॉट हटा दिया जाता है। आई सेड टू हिम,
बार फेवर प्लीज डू मी दिस फेवर आई सेड टू हिम मैंने उससे कहा कृपया यह मेरे पक्ष में करना तो रिक्वेस्ट है जहां प्लीज आ जाए वहां तो कोई आपको आंख बंद करके लिखना है प्रैक्टिस होगी आपको आंख बंद करके आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू मी दिस फेवर अब दिस को दैट में नहीं करूँगा जब कोई बात इस तरीके से बात कही जा रही है मेरे पक्ष में कर देना तो फिर वो तो मतलब अपने लिए ही आ रही है इसलिए उसको नहीं बदल रहा है अगर आप बदल देंगे तो गलती नहीं होगी हमने आपको कल उस दिन बताया था कि अगर आप दिस को दैट में बदल देते हैं कहीं पर भी तो जांचने वाला यही समझेगा कि वो दूसरे के पक्ष में था इसलिए सही कर देगा अगर आप नहीं बदलते हैं तो सोचेगा कि फांसी वाली थी क्यों इसलिए नहीं बदली है तो वो दोनों हाल दोनों तरह से वो करेक्ट ही होगा लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जब अपने पक्ष की कोई बात कर रहे हैं हम ये मेरे पक्ष में कर लेना तो पासी की बात कर रहे हैं इसलिए इसको नहीं बदलना चाहिए द प्रेजेंट सेड लास्ट अब ये लास्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं द पेशेंट सेड डॉक्टर संबोधन आ रहा था कि पेशेंट ने कहा डॉक्टर मेरा दर्द समाप्त कर दीजिए तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था हम इसको बाहर कर लेते हैं तो डॉक्टर पेशेंट और प्लीज भी लगा हुआ था तो रिक्वेस्टेड द डॉक्टर द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू एंड हिज पेन लास्ट एक और लिख देते हैं नंबर 10 सॉक्रेटिस सेड बी क्वाइट ने कहा शांत हो जाए और धैर्य रखें शांत हो जाओ और धैर्य रखो सॉक्रेटिस एक फिलोसफर था टीचर था यहाँ पर सॉक्रेटिस ही कह रहा है शांत रख शांत हो और धैर्य रखो धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए कपट कपट बातें मत करो सॉक्रेटिस Advised to be quiet and have patience. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एक एक्सरसाइज आपको रिवीजन करवाई है इससे पहले भी एक डायलॉग की वाली एक्सरसाइज करवाई थी रूल आपके पास सभी लिखे हुए हैं उनको पढ़िए बुक आपके पास है बुक से रूल पढ़िए और प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज करिए नेक्स्ट टर्न पर फिर
नेक्स्ट एक्सरसाइज की रिवीजन करवाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।